अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द लेक्चर ऑफ क्लास एट साइंस। सो द स्टूडेंट्स, आप सब अपने अपने घरों में अपनी ये क्लास एट साइंस, ये न्यू बुक आई है, हमारा न्यू एडिशन आया है क्लास एट में, ठीक है। ये आपकी बुक्स मिल गई होंगी, आप ये वाली बुक्स अपने घरों में ओपन करेंगे और इसको आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। फर्स्टली विल स्टडी द यूनिट नंबर 1, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स और प्लांट्स की क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कहते हैं कि किसी भी चीज़ को क्लासिफाइड करना, दर्जों में तकसीम करना, क्लासेस में तकसीम करना। सो फर्स्टली हैव अ लुक अबाउट व्हाट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन होती क्या है? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। क्लासिफिकेशन एक ऐसा अमल होता है जिसमें आप क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं, ग्रुप्स बना देते हैं तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उनकी सिमिलैरिटीज़ पर जो एक जैसे होते हैं उनको एक ग्रुप में डाल देते हैं, एंड डिफरेंसेस पर जो अलग अलग होते हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में डाल देते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विद डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज टैक्सोनॉमी, एंड साइंटिस्ट इंगेज इन टैक्सोनॉमी स्टडीज आर कॉल्ड द टैक्सोनॉमिस्ट। यानी कि जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, साइंस की आपको पता है बहुत सारी ब्रांचेज हैं। बायोलॉजी सबसे पहले एक अलग ब्रांच है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले बता देते हैं आपको। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी जो होती है स्टडी ऑफ लाइफ होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जितनी भी स्टडी है उसको हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी की भी जो है बहुत ज़्यादा सब ब्रांचेज हैं, और भी ज़्यादा ब्रांचेज हैं। तो उसमें एक ब्रांच है हमारी बायोलॉजी की टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में क्या होता है, हम क्लासिफिकेशन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। और जो साइंटिस्ट इंगेज होते हैं टैक्सोनॉमी में, टैक्सोनॉमी स्टडी करने में, उनको हम टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। नीड फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई? देयर आर मिलियंस ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट, पौधों की और एनिमल्स की जो है दुनिया में लाखों की तादाद में स्पीशीज हैं, अकसाम हैं, नस्लें हैं, ठीक है, अनवाव अकसाम हैं। मेनी ऑफ देम आर यूजफुल टू अस, बहुत सारी हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। वी नीड टू स्टडी दीज डिटेल इन ऑर्डर टू यूज़ देम मोर एफिशिएंटली फॉर आवर नीड्स। यानी कि हमें इनके बारे में पढ़ना पड़ता है ताकि हम इनको अपनी ज़रूरतों के तहत इस्तेमाल कर सकें। मेनी आर हार्मफुल, बहुत सारे जो होते हैं वो हार्मफुल भी हैं, नुकसानदेह भी हैं। वी ऑल्सो नीड टू स्टडी दैम, हमें उनको भी पढ़ना पड़ता है, सो दैट वी कैन मिनिमाइज टू हार्म दे कॉज टू अस, ताकि हम उनके जो नुकसान वो हमें पहुँचाते हैं वो कम से कम तक कर सकें। हाउ एवर स्टडिंग मिलियंस ऑफ स्पीशीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इंडिविजुअली इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क। तो हर प्लांट को, हर एनिमल को अलग अलग तरीके से इंडिविजुअली पढ़ना, उसको समझना इम्पॉसिबल जो है टास्क बन जाता है, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो साइंटिस्ट देयरफॉर थॉट ऑफ क्लासिफाइंग दैम इन टू ग्रुप्स। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि हम क्या करें, इन तमाम एनिमल्स को, इन तमाम प्लांट्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, ग्रुप्स हैविंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ताकि ग्रुप्स में जो होंगे वो ज़्यादातर प्लांट के, ज़्यादातर एनिमल्स के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, यानी कि एक जैसी खसूसियात होंगी, सच एज देयर स्ट्रक्चर्स, डेवलपमेंट एंड लाइफ हिस्ट्री, जैसे कि उनका स्ट्रक्चर, उनकी डेवलपमेंट, उनकी लाइफ की हिस्ट्री। स्टडिंग अबाउट वन मेंबर ऑफ अ ग्रुप इन डिटेल प्रोवाइड अस विद एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट दी अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। यानी कि अगर हम किसी एक के बारे में अगर अच्छे से पढ़ लेंगे, किसी एक मेंबर के बारे में, तो हमें ग्रुप के बाकी मेंबर के बारे में भी जो बेसिक नॉलेज है वो मिल जाएगी, इससे ये फ़ायदा होता है। इन दिस वे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स मेक्स अवर टास्क ऑफ स्टडिंग देम मच ईजियर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। इस तरीके से क्या होता है, जो क्लासिफिकेशन हम कर लेते हैं लिविंग थिंग्स की, उससे हमारा पढ़ने का काम आसान हो जाता है, इजी हो जाता है, और थोड़ा सा वक्त भी हमारा कंज्यूम हो जाता है, बच जाता है। एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके फ़वाद क्या क्या हैं? इट मेक्स द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंपलर, इजियर एंड सिस्टमेटिक। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की मुताले को सादा बनाती है, आसान बनाती है, और सिस्टमेटिक बना लेती है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये आपको बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन नोइंग द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा ये आपको मदद करती है डिफरेंट ग्रुप्स के एनिमल्स में के दरमियान क्या रिलेशनशिप है वो समझने में। यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीशीज। अच्छा, यूनिट क्या है, यानी कि हम किस बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं चीज़ों को, दर्जाबंदी किस बेसिस पर हम करते हैं। स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशीज जो है वो बेसिक यूनिट होता है, जो अनवा या जो किस्म होती है उसको हम बेसिक यूनिट कहते हैं। अ स्पीशीज डिफाइंड, आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं
एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग अमंग देमसेल्फ, यानी कि इस ग्रुप ऑर्गेनिजम्स का, जानवरों का या एनिमल्स भी कह सकते हैं, प्लांट भी कह सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप जो कि काबिल होता है रिप्रोड्यूस करने का अमंग देमसेल्फ, अपने अपने ही अंदर रिप्रोड्यूस करने के काबिल होता है. सिमिलर एंड रिलेटेड स्पीशीज आर, एक जैसी और जुड़ी हुई स्पीशीज जो होती हैं, ग्रुप टुगेदर इंटू जेनरा. सिमिलर स्पीशीज को जब ग्रुप किया जाता है तो उसको हम जेनेरा कहते हैं, सिंगुलर होता है इसका जीनस. जेनेरा इंटू फैमिलीज, फिर जेनेरा जो होते हैं वो फैमिलीज में ग्रुप करते हैं. फैमिलीज इंटू ऑर्डर, फिर ऑर्डर को हम, फैमिलीज को हम ऑर्डर में ग्रुप करते हैं. एंड ऑर्डर इंटू क्लासेस, फिर ऑर्डर जो है वो क्लासेस में डिवाइड, मतलब ग्रुप हो जाता है. क्लासेस इंटू फाइलम एंड फाइला इंटू किंगडम, और फिर क्लासेस को फाइलम में जोड़ा जाता है एंड फाइला इंटू किंगडम, और लास्ट में फाइला जो है वो किंगडम्स में जोड़ दिया जाता है. सो दीज ऑल आर द, आप कह सकते हैं स्टेप्स हैं, सबसे पहले स्पीशीज, देन जेनेरा, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लासेस, देन फाइलम एंड देन किंगडम. ठीक है, ये सारे आपके रूल्स होते हैं क्लासिफिकेशन के. द बायनोमियल सिस्टम, इन 1753 अ साइंटिस्ट इन स्वीडन नेम्ड कैरोलस लीनस थॉट ऑफ एन ऑर्डरली सिस्टम फॉर क्लासिफाइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वी स्टिल यूज टू दिस डे. ही ग्रुप्ड ऑल ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू अ टू पार्ट बायनोमियल नेम. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम इज द जेनेरिक ग्रुप और जीनस, द सेकेंड पार्ट इज द स्पेसिफिक ग्रुपिंग और स्पीशी. यानी कि कह रहे हैं कि 1753 में हमारे एक साइंटिस्ट थे स्वीडन के, कैरोलस लीनस, उन्होंने सोचा कि एक सिस्टम बनाते हैं क्लासिफाइंग का, एक ऑर्डर बनाते हैं दैट जो कि हम आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है, ही ग्रुप्ड ऑल ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू अ टू पार्ट बायनोमियल नेम, यानी कि उन्होंने तमाम ऑर्गेनिजम्स को टू पार्ट बायनोमियल के नाम से क्लासिफाई किया, ग्रुप किया. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम इज द जेनेरिक ग्रुप और जीनस, यानी कि जो उसका पहला हिस्सा होता था नाम का, फर्स्ट पार्ट होता था वो उसका जेनेरिक या जीनस होता था, और जो दूसरा होता था वो उसकी स्पेसिफिक या उसकी स्पीशी जाहिर करता था. एन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ टेक्जोनॉमी एस्टेब्लिश द साइंटिफिक नेम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. इसके अलावा इंटरनेशनल जो एसोसिएशन है टेक्जोनॉमिस्ट की, उन्होंने साइंटिफिक नेम एनिमल्स के रखे टू अ प्रिसाइज सेट ऑफ रूल्स, कुछ रूल्स के मुताबिक, कुछ असूलों के मुताबिक. द नेम द सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड, और वो नाम जो हैं वो थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम ही होते हैं, लाइक हर कोई दुनिया में कहीं पर भी हो वो उनको उनके नेम से गेस कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, एंड कैन बी यूज, वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं उनके नाम विदाउट फियर और कन्फ्यूजन, और किसी भी कन्फ्यूजन के डर के बिना, इन ऑल लैंग्वेजेस, हर जबान में, जिसको हम, अब हम इसको कहते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज, साइंसी नाम या बायोलॉजिकल के नेम. क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्ग. सिंस द टाइम ऑफ एरिस्टोटल अ ग्रीक साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर इन द 4th century BC, बायोलॉजिस्ट डिवाइडेड द लिविंग वर्ल्ड इनटू जस्ट टू ग्रुप्स, प्लांट किंगडम एंड देन. कह रहे हैं कि एरिस्टोटल सबसे, मतलब जब से एरिस्टोटल का ज़माना गया है, एक ग्रीक साइंटिस्ट थे ये तो, और फिलोसोफर भी थे 4th century BC में ये आए थे, तो जितने भी दुनिया के बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या किया है, एरिस्टोटल के ज़माने से ही जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सिर्फ दो पार्ट्स में या दो किंगडम्स में, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है. उन दो ग्रुप्स में हम एक को कहते हैं प्लांट किंगडम और एक को कहते हैं हम एनिमल किंगडम. हाउ एवर विद दी एडवांसमेंट, लेकिन अब जैसे जैसे एडवांसमेंट होती जा रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी आती जा रही है, बायोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट देर आर वास्ट नंबर ऑफ टाइनी लिविंग थिंग्स दैट कैन नॉट बी कॉल्ड ईदर प्लांट्स और एनिमल्स. जैसे जैसे तरक्की होती जा रही है तो अब बायोलॉजिस्ट ने यह भी हमें बताया है कि बहुत बड़ी तादाद में इस तरह के भी छोटे छोटे टाइनी लिविंग थिंग ने, छोटे छोटे जानदार हैं, जिसको ना तो आप प्लांट कह सकते हैं और ना तो एनिमल कह सकते हैं, यानी कि वो ना तो प्लांट किंगडम में फिट होते हैं ना तो वो एनिमल किंगडम में फिट होते हैं. टुडे साइंटिस्ट हैव अग्रीड टू अ सिस्टम ऑफ डिवाइडिंग द लिविंग वर्ल्ड इनटू 5 किंगडम दे आर. तो आज जो है साइंटिस्ट जो है वो इस बात पे अग्री करते हैं कि वो जितने भी, मतलब लिविंग वर्ल्ड है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम में डिवाइड करते हैं. ठीक है, नंबर 1 मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया वगैरह शामिल हैं. नंबर 2 प्रोटिस्टा, जिसमें अमीबा और सिंगल सेल्ड एनिमल्स आ जाते हैं. फंगाई, मशरूम्स, प्लांट्स
एंड लास्ट में एनिमल्स, यानी इन फोर एंड फिफ्थ प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम है। बाकी जो शुरू के थ्री हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, ये इस तरीके के एनिमल्स हैं या इस तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, जिसको ना तो हम कम्प्लीटली प्लांट्स कह सकते हैं ना ही तो कम्प्लीटली एनिमल्स कह सकते हैं। तो इसलिए हमने इनको अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग किंगडम्स में क्लासिफाइड किया हुआ है। इन आवर जनरल साइंस कोर्स वी विल स्टडी ओनली टू ऑफ दीज किंगडम, द प्लांट एंड द एनिमल, इन डिटेल फॉर सिंप्लिसिटी। यानी कि कह रहे हैं कि जो हमारी जनरल साइंस कोर्स है इसमें अभी हम फिलहाल जो है दो को ही अच्छे से पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम को और एनिमल किंगडम को डिटेल में पढ़ेंगे फॉर सिंप्लिसिटी, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। अच्छा, नाउ देयर इज अ चार्ट गिविंग अबाउट किंगडम। किंगडम दिए हुए आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इसमें आपको बताया कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है कि नहीं, न्यूक्लियस होता है कि नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं नहीं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं नहीं, दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द सेल। ये तमाम हमारे सेल्स के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो मोनेरा में बता रहे हैं सेल वॉल प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट कोई नहीं होता। प्रोटिस्टा में सेल वॉल एब्सेंट होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन सम फॉर्म, कहीं कहीं प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। फंगाई में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, ठीक है। प्लांटी में प्रेजेंट होती है सेल वॉल, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट भी सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। सो ये आपको एक छोटे से चार्ट बना के दिखाया कि ताकि आपको समझ आए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द किंगडम्स, किंगडम्स में क्या क्या डिफरेंस है, जिस वजह से इनको अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। अच्छा, यहाँ पे हम एक रफली सा एक छोटा सा पढ़ लेते हैं अबाउट किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई, जो थ्री बेसिक किंगडम हैं जो कि प्लांट्स और एनिमेलिया के अलावा हैं। यहाँ पे हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, बाकी प्लांट्स और एनिमेलिया के बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मोनेरा बैक्टीरिया, मोनेरा में किंगडम में हमारे पास क्या आते हैं, बैक्टीरियाज आते हैं। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सिंगल सेल बॉडी। बैक्टीरिया जो होते हैं सिंगल सेल एंड सिंगल यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, इनका सिर्फ एक ही सेल होता है, दैट हैव अ सिंगल सेल बॉडी, एक ही सिंगल सेल की बॉडी होती है उनकी पूरी, विदाउट सेल ऑर्गेनल्स, उनके अंदर सेल के जो मतलब तमाम ऑर्गेनल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो भी नहीं होते, विदाउट होता है उसके, और न्यूक्लियस भी नहीं होता। सिर्फ क्या होता है, DNA इज प्रेजेंट इन अ लूप एंड द सेल इज इनक्लोज इन अ सेल वॉल। यानी कि ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस तो होते नहीं हैं, सिर्फ DNA ही मौजूद होता है एक लूप की शक्ल में, एंड द सेल इज इनक्लोज इन अ सेल वॉल, और सेल वॉल इसके अंदर होती है, पूरा सेल सेल वॉल में बंद होता है और अंदर सिर्फ DNA होता है। DNA की वजह से इसको हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म में रखा है। ये बैक्टीरिया का एक सेल आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। देन किंगडम प्रोटिस्टा, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हैव सेल ऑर्गेनल्स, ज़्यादा इनमें सेल ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, यानी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। द DNA इज पैक इनटू अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कॉल्ड न्यूक्लियस। DNA जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, जो कि डबल मेम्ब्रेन दोहरी झिल्ली होती है उसकी। अमीबा एंड सम अल्गा आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा, तो इसकी एग्जाम्पल अमीबा है और कुछ अल्गा हैं जो कि इसकी एग्जाम्पल हैं, ठीक है। या अमीबा की आपको एक पिक्चर दिखाई दी है, यहाँ पे यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है, इसमें क्लोरोप्लास्ट है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, DNA जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, ठीक है। नाउ किंगडम फंगाई, फंगाई प्रीवियसली फंगाई इंक्लूडेड इनटू प्लांट किंगडम। सबसे पहले जो था, यानी प्रीवियसली पहले जो था जब क्लासिफिकेशन की गई थी, तो फंगाई को प्लांट किंगडम में ही रखा गया था, बट नाउ ड्यू टू द फैक्ट दैट दे आर नॉट रिलेटेड टू एनी ऑफ द फोटोसिंथेटिक ग्रुप, फंगाई आर इन अ किंगडम ऑफ देयर ओन। यानी कि पहले इनको प्लांट किंगडम में रख दिया गया था, लेकिन फिर जब बाद में पता चला कि भाई ये तो कोई फोटोसिंथेटिक ग्रुप है ही नहीं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इनमें नहीं होता, या फोटोसिंथेटिक नहीं होते, ये ग्रुप में नहीं होते, तो इनका फिर अलग से किंगडम बना दिया गया। द ऑर्गेनिज्म इन दिस किंगडम आर मल्टी सेलुलर, फंगाई के जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी एक से ज़ायद सेल रखते हैं। द सेल्स ऑफ दीज किंगडम आर मल्टी सेलुलर, तमाम ऑर्गेनिज्म्स के मल्टी सेलुलर एक से ज़ायद सेल्स होते हैं। द सेल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म हैव सेल वॉल एंड सेल ऑर्गेनल्स, और इनके तमाम सेल्स में तमाम
न्यूक्लियस मौजूद होता है, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, सेल के हिस्से मौजूद होते हैं जिसमें न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया शामिल है। डीएनए इज स्टोर्ड इन न्यूक्लियस, डीएनए जो होता है इनका न्यूक्लियस में पाया जाता है। मोस्टली फंगाई आर सैप्रोफाइट्स, ज़्यादातर फंगाई जो होते हैं वो सैप्रोफाइट्स होते हैं। क्या होते हैं सैप्रोफाइट्स? सैप्रोफाइट मीन ऑब्टेनिंग फूड बाय ब्रेकिंग डाउन एंड एब्जॉर्बिंग सराउंडिंग मटेरियल, जो कि आसपास की चीज़ों से अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं और खाते हैं, यानी अपना फूड खुद सिंथेटिक नहीं है, बनाते नहीं है, बट ये कि आप अपने आसपास की चीज़ों से लेके एब्जॉर्ब करते हैं। मशरूम, माइल्ड्यू एंड मोल्ड्स आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ फंगाई। इसकी एग्जाम्पल्स कौन कौन है? मशरूम है, माइल्ड्यू है, मोल्ड्स हैं, ये सब फंगाई की एग्जाम्पल्स हैं। ये फंगाई की एक आपको पिक्चर दिखाई दी यहाँ पे। लिविंग ऑर्गेनिज्म जनरली कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड ग्रुप्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। हेयर आर सम इम्पॉर्टेंट वेज इन विच प्लांट डिफर फ्रॉम एनिमल्स टेबल। यानी अब आपको बता रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम दो बड़े ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे आपको कुछ अहम तरीके बताए जा रहे हैं, अहम चीज़ें बताई जा रही हैं जिसकी वजह से हम प्लांट्स को एनिमल्स को डिफर करते हैं। यहाँ पे आपको एक क्लेमेडोमोनास दिखाया है। सम प्लांट्स मूव अराउंड, अ कॉलोनी ऑफ वॉलवर्क्स, सम स्पंजेस, सी एनिमोन्स, सम एनिमल्स आर फिक्स्ड एट वन प्लेस। ये एनिमल्स की एग्जाम्पल्स हैं और ये प्लांट्स की, यानी कि कह रहे हैं हमारा जो बेसिक थॉट होता है या बेसिक हमारा एक नज़रिया होता है वो ये होता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो यूजुअली सीसाइल होते हैं, यानी कि वो फिक्स्ड होते हैं एक पॉइंट पे और एनिमल्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। बट इन इन आर मतलब अगर हम डिटेल में जाएँ तो आप देखेंगे कि देर आर सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स भी हैं जो कि मूव अराउंड करते हैं, हरकत कर सकते हैं, जस्ट लाइक क्लेमेडोमोनास और अ कॉलोनी ऑफ वॉलवर्क्स। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, कि ये मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, स्पंजेस और एनिसी एनिमोन वगैरह, ये फिक्स्ड होते हैं, एक जगह ही रहते हैं, ठीक है, यानी ये बिल्कुल एक डिफरेंट कैरेक्टर है। अच्छा जी, यहाँ पे आपको चार्ट बताया हुआ है डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स का। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के हवाले से अगर हम बात करें, फूड के हवाले से, गजाइत के हवाले से, तो प्लांट्स अपना फूड कैसे हासिल करते हैं? मोस्ट प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, मोस्ट प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक मीन्स के ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड खुद ही बनाते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए वो एनर्जी लेते हैं सनलाइट से, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एयर से एंड वाटर लेते हैं ज़मीन से, और फिर उनके पिगमेंट्स होते हैं, उनके पत्तों में मौजूद ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, इन तमाम चीज़ों की मदद से वो एक प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस और अपना फूड प्लांट्स खुद तैयार करते हैं। इसके बारे में आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं अबाउट फोटोसिंथेसिस। अच्छा, एनिमल्स क्या है? एनिमल्स होते हैं हेटरोट्रॉफिक होते हैं, मींस हेटरोट्रॉफिक क्या होते हैं? हेटरोट्रॉफिक दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, अपना खाना वो खुद नहीं बना सकते, दे डिपेंड ऑन द फूड मेड बाय प्लांट, वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे, जो प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं तो वो उनसे अपना फूड हासिल करते हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन में डिफरेंस आ गया कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं एंड एनिमल्स हेटरोट्रॉफिक होते हैं। देन लोकोमोशन, लोकोमोशन हरकत, हरकत कैसे करते हैं? मोस्ट प्लांट रिमेन फिक्स एट वन प्लेस, ज़्यादातर प्लांट्स कैसे होते हैं आपने देखे हैं, फिक्स होते हैं एक जगह पे, मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह थ्रू आउट देयर लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं। एज दे मेक देयर ओन फूड, और वो अपना खाना खुद बनाते हैं, दे डो नॉट नीड मूव अराउंड टू लुक फॉर फूड, तो उन्हें इधर उधर चलने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो अपना खाना खुद बना रहे होते हैं, तो उन्हें खाना ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं होती। However, there are some exception, लेकिन अभी जैसे आपको पीछे बताया कि there are some exception, कुछ हैं ऐसे plants just like Chlamydomonas, Wallworts, जो कि move around करते हैं। अच्छा, animals के लिए जैसे कि ये बात सबको समझ में आती है that most animals move around in search of food, ज़्यादातर animals जो हैं वो move करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं in search of food, खाने की तलाश में, and shelter, shelter यानी साहिबान की तलाश में। सम एनिमल्स सच एज स्पंजेस एंड सी एनिमोन, जैसे पीछे आपको बताया कि कुछ एनिमल्स जो हैं स्पंजेस और सी एनिमोन एंड कोरल रिमेन फिक्स एट वन, और जो कोरल होते हैं वो एक जगह फिक्स रहते हैं। ग्रोथ इन प्लांट्स, ग्रोथ कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ, प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट लाइफ होती है, यानी कि सारी ज़िंदगी प्लांट्स जो है वो ग्रो करता रहता है। इन एनिमल्स ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टेन एज, लेकिन एनिमल्स भी क्या होता है, जो ग्रोथ का प्रोसेस है, बढ़ने का अमल है, वो एक सर्टेन एज तक आकर स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, एक खास उम्र तक आके रुक जाता है। बिसाइड्स इन प्लांट ग्रोथ अकर्स इन सर्टेन प्लेसेस ओनली,
इसके अलावा प्लांट्स में जो होती है ग्रोथ वो कुछ हिस्सों में ही होती है, सच एज द टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम, जैसा कि रूट्स जड़ों के जो टिप्स होती हैं और जो स्टेम की टिप्स होती है वो हमेशा बढ़ती ही रहती हैं। इन एनिमल्स ग्रोथ अकर यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बॉडी, एनिमल्स में ग्रोथ जो होती है वो बिल्कुल बराबरी से एक जैसी पूरी बॉडी में होती है। रिप्रोडक्शन, प्लांट्स रिप्रोड्यूस मेनली बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स, स्पोर एंड इन सम केसेस बाय बॉडी पार्ट्स। रिप्रोडक्शन जो होती है प्लांट्स में कैसे होती है, ये सीड बनाते हैं प्लांट्स, स्पोर्स बनाते हैं और कुछ केसेस में कुछ अपने बॉडी पार्ट से भी ग्रो होगा। यानी प्लांट्स ग्रो कैसे होगा, बीज आप बोएंगे या तो स्पोर्ट्स से होगा या तो कुछ बॉडी पार्ट्स भी इसके इसको ग्रो करने में रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। एनिमल रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स और गिविंग बर्थ टू देयर बेबी। एनिमल्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, या तो वो एग्स ले करते हैं, अंडे देते हैं, या तो फिर बेबीज को बर्थ करते हैं, ठीक है, एग देते हैं या बच्चे पैदा करते हैं। ऑर्गन सिस्टम, प्लांट्स हैव ओनली टू सिस्टम, प्लांट्स का सिर्फ दो सिस्टम होते हैं, द रूट एंड द शूट सिस्टम। रूट का सिस्टम और शूट का सिस्टम, जड़ों का सिस्टम और शूट शाखों का सिस्टम, परफॉर्मिंग ऑल लाइफ फंक्शन, और यही जिंदगी के इनके तमाम फंक्शंस कर रहे होते हैं। एनिमल्स जनरली हैव अ कॉम्प्लिकेटेड बॉडी स्ट्रक्चर, एनिमल्स का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी पेचीदा होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। एनिमल की जो बॉडीज़ होती हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं उसमें, सच एज रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग होता है, नर्वस सिस्टम अलग होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग होता है, या आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सो दिस सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, तो हर सिस्टम का अपना एक अलग फंक्शन होता है। तो एनिमल की जो बॉडी होती है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है इन टर्म्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स। रिस्पॉन्स टू दी स्टैमुलस, रिस्पॉन्स टू दी स्टैमुलस इन प्लांट्स इज स्लो एंड ऑफ फ्यूअर टाइप्स। प्लांट्स जो है वो प्लांट्स में जो रिस्पॉन्डिंग का अमल होता है, रिस्पॉन्ड करने का जो अमल होता है वो स्लो होता है काफ़ी, और कुछ चंद ही अकसाम का होता है। लेकिन एनिमल्स में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द नर्वस सिस्टम, एनिमल्स आर एबल टू सेंस द एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू इट मच फास्टर। एनिमल्स का जो क्या कहते हैं रिस्पॉन्स का सिस्टम होता है वो काफ़ी क्विक होता है, क्विक के साथ साथ एडवांस होता है, बिकॉज हमारे पास या एनिमल्स के पास जो होते हैं वो नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन होता है, तो वो फ़ौरन से एनवायरनमेंट को अपने माहौल को सेंस करते हैं और फ़ौरन से रिस्पॉन्ड करते हैं, इट मच फास्टर, तेज़ी से होता है देन प्लांट्स। प्लांट्स के मुकाबले में ये चीज़ तेज़ी से होती है एंड इन अ वराइटी ऑफ वे, और इसके मतलब अलग अलग तरीके की मुख्तलिफ अकसाम होती हैं, ठीक है। तो रिस्पॉन्स जो है वो एनिमल्स में क्विक तेज़ी से होता है और प्लांट में स्लो होता है। सेलुलर स्ट्रक्चर, प्लांट और एनिमल के सेल के स्ट्रक्चर में भी काफ़ी डिफरेंस होता है। प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, प्लांट्स जो हैं वो सेल से बने होते हैं। अ प्लांट सेल हैज़ अ रिजिड सेल वॉल, इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन इट गिव्स द सेल अ फिक्स्ड शेप एंड हेल्प्स इन सपोर्टिंग द प्लांट्स। प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं वो प्लांट भी सेल से मिलकर बने होते हैं। एक प्लांट का जो सेल होता है वो सेल वॉल सबसे पहले एडिशनली उसके अंदर होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है जो कि सेल को एक फिक्स्ड शेप देती है, एक क्या कहते हैं एक शक्ल देती है फिक्स, और इसको उस प्लांट को सपोर्ट करने में सहारा देने में मदद करती है। एनिमल्स जो होते हैं वो भी सेल्स के बने होते हैं। एन एनिमल सेल इज सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन ओनली, और एक एनिमल का सेल सिर्फ सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है एंड डज नॉट हैव अ सेल वॉल। तो यही बिग डिफरेंस है कि प्लांट में सेल वॉल होती है और एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है। यहाँ पे वी आर शोइंग यू अ सेल, अ प्लांट सेल एंड अ एनिमल, एन एनिमल सेल। इसमें क्या है, सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में ही है बट सेल वॉल जस्ट प्लांट सेल जो है वो कंटेन करता है। अ प्लांट सेल हैज अ रिजिड सेल वॉल वाइट एन एनिमल, वाइल एन एनिमल सेल हैज ओनली अ सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल की एक सख्त सेल वॉल होती है जबकि एनिमल सेल सिर्फ सेल मेम्ब्रेन से बना होता है। दीदा द अलगा, फंगाए, मॉसेस, फर्न्स एंड पाइन कॉनिफर्स, डिफरेंट आपको यहाँ पे प्लांट्स दिखा दिए, प्लांट्स मतलब वो दिखा दिए आपको, किंगडम्स दिखा दिए, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द टूडेज टॉपिक, ऑल वी हैव टोल्ड यू अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, किंगडम्स के बारे में बता दिया और इनके बेसिक बता दिए कि किस वजह से इनको डिफरेंस में रखा गया है। फिर अबाउट मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई वी हैव डिस्कस एंड अब वी हैव डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट्स एंड द एनिमल्स इन ऑल एस्पेक्ट्स, हर एस्पेक्ट में हमने यहाँ पे इसका डिफरेंस कर लिया, ठीक है। आगे कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग चैप्टर, सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।